हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो हमारे एक्टिवा या बाइक में इस तरह से हैंडल पे लाइट होती है वो लगाना सीखेंगे। चलिए फ्रेंड, देखते हैं कैसे लगाते हैं इसे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे पास पुरानी दो लाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं ये ख़राब लाइट है। फ्रेंड्स, पहले मैं इसको ठीक करूँगा और फिर हम इसको एक्टिवा में लगाएंगे, और मैं आपको पूरे कनेक्शन भी सब चीज़ समझाऊँगा। फ्रेंड, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, इस लाइट को पहले हम यहाँ से ओपन कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। फ्रेंड्स, ये लाइट वैसे ख़राब नहीं होती है, बट इसके जो वायर है वो बिल्कुल सड़ चुके हैं, इसलिए ये ख़राब है, वर्क नहीं कर रही है। तो हम इसको पहले निकाल देते हैं इस तरह से। अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे दोनों लाइट को निकाल दिया है। यहाँ पे हम वायर लेंगे, दो वायर मैंने ले लिया है, और फ्रेंड जो हमारे पुराने वायर हैं इसको हम यहाँ से डिसोल्डिंग कर देंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पुराने वायर हैं उनको हमने डिसोल्डिंग कर दिया है। अब हम फ्रेंड्स यहाँ पे नए वायर सोल्डिंग करेंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जल्दी से हम सोल्डिंग कर देते हैं। दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे हमने वायर को सोल्डिंग कर दिया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा सेंटर में है वो हमारा ब्लैक वायर रहेगा, और राइट और लेफ्ट में हमारा रेड कलर का वायर है। यहाँ पे हम चेक करेंगे तो हमारी एलईडी प्रॉपर वर्क करने लग गए हैं। फ्रेंड्स, ये जो हमारी लाइट्स है ये हमारा इंडिकेटर का काम भी करेगी, तो इसलिए ये येलो एंड वाइट दो कलर की जलती है। चलिए फ्रेंड्स, इसको अब जल्दी से हम पैक कर देते हैं। यहाँ पर इसका कैप लगा दूंगा मैं इस तरह से, और इसको फेविक्विक की मदद से चिपका देते हैं। फ्रेंड, जो ये एलईडी है इसका हमारा ब्लैक कलर का पार्ट हट चुका था, बिल्कुल मिट चुका था। यहाँ पे हम टेप लगाएंगे और कटर की मदद से इसको कट कर देंगे। फ्रेंड्स, ये ब्लैक कलर यहाँ पे होना इसलिए ज़रूरी है जो कि हमारी लाइट जलेगी तो बाहर की ओर नहीं पड़ेगी, जो रिंग टाइप का हमारी जलनी चाहिए लाइट को, इसलिए ये ब्लैक कलर का पार्ट होना यहाँ पर ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स देखना, हमने दोनों लाइट को चेक कर लिया है, यहाँ पे हमारे दोनों लाइट बिल्कुल सही हो गई हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इन लाइट को लगाते हैं अपनी एक्टिवा में। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने एक्टिवा को पहले से ही ओपन कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक होल है। फ्रेंड्स, ये होल पहले से ही रहता है, बट लेकिन ये बाहर से कवर रहता है, इसलिए मैंने इसको कट कर दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक छोटा सा होल है, और फ्रेंड्स इसी होल से हमारे कनेक्शन के जो वायर हैं बाहर निकलेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे इस होल में हम एक पतला सा वायर डाल देते हैं पहले इसके वायर को निकालने के लिए। इस वायर से फ्रेंड्स हम एलईडी के वायर कनेक्ट कर देंगे, और बाद में हम इस वायर को खींच लेंगे, और इस जो ये बारीक सा होल है यहाँ से हमारे कनेक्शन के वायर निकल जाएंगे। ये देख सकते हो फ्रेंड्स, और ये लाइट है हमारी यहाँ पे हैंडल पे इस तरह से फिक्स हो जाएगी। फ्रेंड्स, इसी तरह हम दूसरे वाले हैंडल में भी कनेक्शन करेंगे। इस तरह से एक वायर डाल देंगे और इन वायरों को कनेक्ट करके इस तरह से खींच लेंगे, और फ्रेंड दूसरी लाइट भी हमारी हैंडल पे इस तरह से लग जाएगी। फ्रेंड्स, ये हमारा रेस का है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा कट करना पड़ेगा, और इसको इस तरह से हम फिक्स कर देंगे। दोस्तों, लाइटें हमारी फिक्स हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास छः वायरें हैं। दोस्तों, इन दोनों एलईडी का हम ब्लैक कलर का वायर लेंगे, जो उसको हम एक साथ जोड़ लेंगे यहाँ पर इस तरह से। और फ्रेंड, जो ये कनेक्टर हमारा, जब हम गाड़ी को चाबी से ऑन करते हैं तो ये कनेक्टर पर हमारा इसी कनेक्टर से गाड़ी ऑन होती है हमारी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ये जो ब्लैक कलर का वायर है इस कनेक्टर से जोड़ लेंगे यहाँ पे इस तरह से, और फ्रेंड्स बाद में हम एक कनेक्टर को लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दोनों एलईडी का ब्लैक कलर का वायर है यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया है। अब फ्रेंड्स, हमारे पास एक्टिवा के जो राइट साइड के हैंडल का जो दो वायर बच गए थे वो हम यहाँ पे जो हमारे एक्टिवा के राइट इंडिकेटर का रहेगा, राइट इंडिकेटर का प्लग रहेगा, उसमें कनेक्ट हो जाएंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम इन वायरों को इस तरह से यहाँ पे लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड के एलईडी का कनेक्शन हमारे पूरे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लेफ्ट साइड के इंडिकेटर पे आएंगे फ्रेंड्स। जो ये लेफ्ट साइड के इंडिकेटर है हमारे एक्टिवा का, या इसके कनेक्टर को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो ये रेड कलर का ऑरेंज कलर का वायर है, यहाँ पे हमारा इस एलईडी का एक वायर यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ तक कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास एक वायर बचा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैंडल पे एक नेट है, जो इस नेट पे हम इस वायर को लगा देंगे। फ्रेंड्स, ये वायर अर्थिंग का रहेगा हमारा, कि क्योंकि हमारी पूरी गाड़ी में अर्थिंग होती है, तो हम इसे कहीं भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इस नेट पर इसको लगा देता हूँ। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर सारे के सारे वायर कनेक्ट हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा कस लेता हूँ मैं। और फ्रेंड्स, अब हम चेक करेंगे हमारी लाइटें काम कर रही है या नहीं कर रही। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये लाइट थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रही है बिल्कुल। ये कभी बंद हो रही है, कभी जल रही है। तो फ्रेंड्स, हम ये जो हमने यहाँ पे नेट पे वायर लगाया था, इसको हम यहाँ से हटा देंगे। और मैं इसको कहीं दूसरी जगह टच करके, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सेसरीज पर टच करता हूँ तो हमारी लाइट प्रॉपर काम कर रही है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर भी इस वाले नेट पर कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर भी प्रॉपर काम कर रही है। तो दोस्तों, मैं इसको इस वायर को यहीं इसी वाले नेट पे कनेक्ट कर दूंगा, ताकि ये वायर हमारा अंदर ही रहे। दोस्तों, वायर को हमने कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पे हमारी लाइट बिल्कुल प्रॉपर वर्क करने लग गई है। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे गाड़ी को जल्दी से पैक कर देते हैं। यहाँ पे जो इसका हेडलाइट का कनेक्टर है, पहले मैं इसको लगा देता हूँ। और जल्दी से मैं इस गाड़ी को फटाफट से पैक कर देता हूँ फ्रेंड्स। वीडियो को थोड़ा मैं फास्ट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, गाड़ी हमारी यहाँ पे पैक हो चुकी है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैं इंडिकेटर ऑन करता हूँ तो ये इंडिकेटर हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। देखिए, जैसे मैं इसको बंद करता हूँ इंडिकेटर, तो यहाँ पे वाइट कलर की एलईडी जलेगी। और जैसे इंडिकेटर ऑन करता हूँ, तो वाइट कलर के साथ इंडिकेटर भी हमारा ऑन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको इसी तरह से फ्रेंड्स दूसरी साइड से भी आप देख सकते हैं।
यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो हमारा हैंडल का इंडिकेटर है, फ्रंट का इंडिकेटर और बैक का इंडिकेटर है, एक साथ वर्क कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसी तरह से फ्रेंड्स, हमारा दूसरी साइड से भी इंडिकेटर हमारा एक साथ ही काम कर रहा है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं अब गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको।